बस करते तुम्हारा चला चालू। इसलिए कहते जो चतुष है, जो चतुष है ये शादी क्यों नहीं हुई? उन्होंने शिक्षा क्या देते हैं? उन्होंने यही शिक्षा देते हैं, जब उन्होंने बोले हम संसार घर गृहस्थी करना नहीं चाहते, लेकिन ये पिताजी का आदेश है और भगवान भी आदेश दिया सृष्टि करो, सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, लेकिन सृष्टि का जो पहला व्यक्ति उन्होंने क्या बोल दिया, हम घर गृहस्थी करना नहीं चाहते, तो उनको पाप लगनी चाहिए, पाप तो लगनी चाहिए घर गृहस्थी, पाप भगवान बोल रहे, पिताजी स्वयं बोल रहे, लेकिन यहाँ पर मना कर दिया हम घर गृहस्थी करना नहीं, पाप लगनी चाहिए ना, नहीं पाप नहीं लगेगा, बोले क्यों नहीं लगेगा, कृष्ण दूसरे तरफ से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो बक्षयामि मां सुत। भगवान की प्रतिज्ञा करके कहते हैं सारे धर्म छोड़ कर तो मेरे शरण में आ जा, अगर जो पाप लगेगा अहम त्वा मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। कितने बड़े प्रतिज्ञा भगवान देते हैं, इसलिए चार आश्रम है, देखो अच्छे तरह समझो, चार आश्रम है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, पहले सबके सब गुरुकुल में जाते थे, चीज को अच्छे तरह से याद रखो। पहला आश्रम कोई बोलता है ना, अरे तुम लोग बाबा माँ छोड़ कर सब साधु हो गए, घर की स्थिति चलेगा, तुम संसार घर की स्थिति आए हैं, इसलिए घर की स्थिति। पहला आश्रम क्या ब्रह्मचर्य 25 साल का, उसको बाद में जब 25 साल गृहस्थ आश्रम, गुरु जी उसको पूछते थे बेटा अभी क्या कर दो बोलो, 25 साल गुरुकुल में तुमने बिताए, सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ चुके हो, बताओ अभी तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन जो समस्त शास्त्र को पढ़ करके ये समझ गए ये जीवन दुर्लभ है, ये जीवन भगवान बार बार नहीं देते हैं, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार भी मानव शरीर मिला, क्यों ये जीवन मिला है? कहते आए थे हरि भजन को स्वभाव, आए थे हरि भजन को मातृगर्भ में जब थे भगवान से कसम खा करके आए, प्रभु एक बार अगर ये मानव शरीर दोगे हम कभी ये दूसरे संसार में नहीं रहूंगा, हमने यही प्रतिज्ञा करके भगवान से आए, लेकिन इधर आकर क्या हो सब कुछ भूल गए, दूसरे काम में लग गए, जो काम के लिए आए थे उसको धरते पीछे, और जो करने नहीं आए थे उसमें हम लग पड़े हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिसको ये पूर्ण ज्ञान हो गया, क्या जीवन भजन के लिए मिला, जब गुरुदेव पूछते थे बेटा बताओ क्या करोगे, जिसको ये ज्ञान हो जाता था ना भजन के लिए ही जीवन मिला है, कहते गुरुदेव आपका सिंचन करके आप चरण की सेवा करते हुए हम तो ये भुक्ति बालकों को प्रशस्त करना चाहते, संसार से पार बोलने करना चाहते, लेकिन जो फेल बच्चे होते थे जिसको बगैर शादी के रह नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते थे, बोले बेटा घर में जाओ लव मैरिज नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना है, इसलिए आई लव यू फिर आई लीव यू फिर आई की फिर जाकर कोर्ट में जाकर नंबर लगाओ, इसलिए नहीं करके अपना वर्ना जाति के अनुरूप पिता माता जहाँ शादी कराएंगे वहीं पर शादी को क्या करेंगे हैं, बोले कब तक घर गृहस्थी अपना धर्म पूर्वक निर्वाह कर, ऐसे नहीं बगैर शादी के बैठने घूम रहे हो, शास्त्र एकदम इसको वर्जन करता है, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ा पाप है पंचम स्कंध में जिसको सुखदेव गोस्वामी 84 नरक की क्या पर वर्णना करते हैं, अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री से मिलते हैं उसका जो दंड बताया गया कठोर दंड वहाँ पर बताया गया, तो स्वतंत्र रूप में इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर अपना धर्म कर्म के अनुरूप वहाँ पर शादी करके रहो, बोले कब तक 50 साल उसको बाद में नहीं, इसलिए उस बाद में क्या एकावन बावन चौवन ये बन सप्ताह है, मतलब क्या 50 रुपये बनन भेजे 50 साल के बाद में फिर जाकर के वृंदावन में जाकर वृंदावन में जाकर भजन करो 50 रुपये हैं, उसके बाद में 68 60 मतलब क्या, अगर भजन नहीं करते ना फिर सखिया बन जाओगे, फिर सखिया बन जाओ फिर भजन भजन के जोड़ने वाले नहीं तुमको हैं, इसलिए गुरुदेव क्या बोलते थे जाओ, लेकिन उसके बाद में देखो उसमें क्या ब्रह्मचर्य हो गया,
केवल 25 साल ही, 25 से 50 साल तक केवल ये वृहत धर्म के लिए बताया गया, लेकिन उसके बाद में फिर बाण प्रस्ताव है भजन, उसके बाद में फिर सन्यासिया है सन्यासी। अगर कोई व्यक्ति अच्छे तरह समझो, जैसे ब्रह्मचर्य 25 साल तक, अगर उसको बाद में अगर ये घर गृहस्थ में नहीं फंसता है ना, वो सीधा यहाँ से यहाँ पे चला गया, उसको 50 साल खत्म नहीं हुआ, 50 साल बर्बाद नहीं गया, जो 25 साल गृहस्थ में और 25 साल जो बाण प्रस्ताव उसको करी से समझ गया, उसको कहाँ से पूरा 25 साल से लेकर के पूरा 75 साल तक पूरा छलांग लगा करके लेकिन उसको बाद में देखो, लेकिन उसको बाद में बाण प्रस्ताव है। ये सप्तम स्कंध में आप लोग सुने होंगे ना, सबसे जो कठिन जो आश्रम आप देखना बाण प्रस्ताव बताए, सबसे कठिन जटाजल धारण करना, बल तल करके रहना, फल फूल खाना, वहाँ पर जो बताया सबसे कठिन, बल क्यों ये बाण प्रस्ताव वो सबसे कठिन क्यों बताया, तो कारण है तुमने जो 25 साल तक ये घर गृह से तुमने किए हो, तुम्हारी जो चित्त मलिन हो गया, जो तुम्हारी चित्त जो अपवित्र हो गया संसार में, अभी तुमको खुलने के लिए तुमको ये 25 साल तक बहुत सारे हमने मंदिर में देखा, कुछ कुछ लोग हैं जो घर बार छोड़कर आ जाते हैं मंदिर में, लेकिन आने का बाद वो भी घर गृह से वो छोड़ नहीं पाते हैं, घर में भी छोड़ नहीं पाते और मंदिर में रहते हुए भी सारे घर गृह से उठना उठना सब छोड़ करके आए, लेकिन वो संस्कार तुमने गलती संस्कार पड़ जाती है हैं। और तुमने कुछ लोगों को तो ऐसे देखा मंदिर में आकर मंदिर का सामान भी घर में दे सकते, हमने कुछ लोगों को बहुत दिन से मंदिर में रह रहा, जो चीज उसको मिलता है ना प्रणाम रूप में कपड़ा टुकड़ा अपना बच्चों को बुलाते हैं, बुला बुला करके सामान को घर में बस देगा, कहाँ घर की वस्तु भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, कहाँ भगवान की सेवा की वस्तु घर में दे, क्यों इतने दृढ़ संस्कार घर गृहस्थ में बन जाती है। इसलिए प्रहलाद महाराज का कहते हैं एक रात जो स्त्री के सहवास करना, एक रात मरने का पहला तो वो स्मृति में भूलने का, अब सपन स्कंध भी वहां पर बताते हैं, मरने का पहला तक वो स्मृति को नहीं भूल पाता है, एक रात वो स्त्री को साथ में सहवास करने का, इतने गंदी संस्कार पड़ जाते हैं है? इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते जो पहला जो आश्रम पहला जो अवतार है भगवान का ये चतुस्सन पहला अवतार है, उन्होंने शिक्षा दिया दिया सृष्टि का पहला सृष्टि है, लेकिन उन्होंने शिक्षा दिया दिया शिक्षा उन्होंने ये दिया कि जो जीवन हमें मिला है भगवान की भजन करने के लिए मिला, इसलिए कि जीवन को क्या करनी चाहिए भगवान की भजन में ये जीवन को लगाओ, अगर पिताजी का आदेश पालन भी नहीं किया, भगवान भी ब्रह्मा जी का आदेश दिया नहीं, लेकिन नहीं करने पर भी कहते परयो विधि बलवान, पहले जो भगवान बात बताए पूर्व परयो परयो विधि बलवान, उसमें संस्कृत का एक नियम है, भगवान पहले जो बात बताई लेकिन बाद में जो भगवान बात बताते हैं मन मना भव मद भक्त भव माम जाति माम नमस्कुरो मन और किसी को मत दिया कर मन को किसी को मत भक्त भव भक्त केवल मेरा ही मनो माम जाति केवल मेरा ही पूजा करो माम नमस्कुरो नमस्कार करना तो बोलो मुझे ही नमस्कार करो है पूर्व करो करो विधि बलवा कि भगवान का आदेश है। इसलिए भगवान चतुसन कहते हैं क्या बोले इनका जीवन कैसे है, बोले कृष्ण कथा मात्र का जीवन, इनका जो जीवन है कृष्ण कथा ही इनका जीवन है, भागवत का जो पद्म पुराण में चतुसन नारद जी को कथा सुनाए ना, अगर कोई कथा सुनने वाले मिले उनको कथा सुनाना शुरू कर देते, अगर कोई मिले नहीं तो क्या करते हैं एक भैया तो व्यास वेदी पर बैठता है और तीनों भैया बन जाते हैं श्रोता, बात सुनने तीनों भैया को कथा सुनाना शुरू करते हैं। इसलिए कृष्ण कथा छोड़ करके और जिनका जीवन और कुछ है ही नहीं, कृष्ण कथा ही जिनका जीवन है जिनका है, इसलिए इनका उम्र कितने उम्र रहती है 5 साल, इससे ज्यादा इनको उम्र होता है क्यों नहीं होता है, कारण है ये कृष्ण कथा छोड़कर और कुछ बोलते नहीं, कृष्ण भजन छोड़कर और कुछ बोलते नहीं, इसलिए इनका जीवन क्या होता है कभी इनका जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होता है, हर समय ये 5 साल की उम्र में रहते हैं,
ये भगवान का पहला अवतार। दूसरा अवतार भगवान बरहा रूप में आए, कहते जो भगवान को जो बरहा दे रहे हैं, इसलिए मथुरा में गए ना, वहां पर दो बरहा, एक श्वेत बरहा एक है कृष्ण बरहा, दो बरहा है। इसलिए ये बरहा दे कैसे प्रकट किसी जगह है, कहते भगवान बरहा अवतार किसको बद दिया, कहते उन्होंने हिरण्यनाथ का रूप में बद दिया। बोले जिस समय ये सृष्टि करना चाहते हैं, कौन श्री मनु महाराज जब सृष्टि करना चाह रहे थे, लेकिन वो पृथ्वी तो रसातल में चली गई, अभी सृष्टि करेंगे तो कहाँ पर सृष्टि करेंगे, भगवान से पूछे। इतने में बोले पृथ्वी तो है ही नहीं, इतने में ब्रह्मा जी ने छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ। देखते देखते उन्होंने विशाल उन्होंने पानी में छांग लगा दी, लगा करके उन्होंने अपना दंत को ऊपर उन्होंने उसको उठा, उन्होंने पृथ्वी को उन्होंने उधार, जब उधार कर रहे थे कितने में जो हिरण्यनाथ और जो हिरण्यकश्यप को बार बार चेहरा दिना दो रात चौगुना बड़ा हो गए थे, इतने विशाल उनकी शरीर जब मुकुट पहनते हैं जैसे आकाश को स्पर्श करता है, उनकी बराबर कोई युद्ध करने वाले कोई नहीं, एक एक मुष्टिका घात में बड़े बड़े पहाड़ को चलना शुरू कर देते हैं। कुबेर को पास में करके उसने भाग लिया और नारद से मिले तो बोले कोई है मेरे समक्ष के, बोले हाँ तेरे समक्ष एक व्यक्ति केवल भगवान है, बोले अभी ये पृथ्वी को उधार कर रहे हैं जा उनसे जाकर रहना करो। लेकिन जब आए देखा तो एक सुअर है, तब वो कह रहे हैं बोले कि सुअर से युद्ध करेंगे तो ग्राम में सुअर है, ये सुअर से क्या युद्ध करूंगा। भगवान बढ़ा तो उनका थोड़ा रुक जाकर के दिखाता हूँ, अभी पृथ्वी को मैं थोड़ा धूरी पर स्थापन करता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ। बांस धूरी पर स्थापन करते हुए फिर तो जो घमान शान युद्ध होगी, जो चिन्ह युद्ध हुई बढ़ा दे से मारे, भगवान का जो हाथ से गदाई छिन गई, उनका हाथ से गदाई छिन गया, उनका हाथ से भगवान का सर नीचा हो गया, जो भगवान की गदाई ना भगवान का हाथ से छिन गया गदा, इतने में हिरण्यक को क्या बोला, क्या देख रहे उठाओ गदा हैं। उन्होंने ऐसे क्यों भगवान कैसे कर सकते हैं, देखो कारण क्या है, कारण है कि हिरण्यनाथ के हिरण्यकशिपु पहले कौन थे, जय और विजय हैं। अभी भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की इच्छा है ना वीर रस को आस्वादन करे, अभी वीर रस किसको साथ में आस्वादन करे हैं, चिट्ठी एक हाथी से तो युद्ध नहीं होता है, युद्ध किसको किसके साथ, हाथी के साथ में अगर युद्ध हो तभी तो आनंद आता है, हाथी के साथ में। इसलिए इनकी भगवान की भावना को समझते हुए फिर उन्होंने क्या किया, फिर जय और विजय उन्होंने जान बूझ करके उन्होंने तीन जन्म तक आए कम से कम प्रभु की जो वीर रस आस्वादन करने की इनकी जो इच्छाएं हैं, इनकी इच्छाओं को मैं पूरी कर दूँ हैं, इसलिए उन्होंने वैसे युद्ध किया। फिर तो युद्ध होते जब शाम समय आ गया, इतने में देवता लोग प्रार्थना किया था जी, रात होने से राक्षसों का शक्ति बढ़ गया, जल्दी जल्दी ये दुष्टों को विनाश करो। फिर भगवान क्या क्या गदा घुमाते मारे तो कान के ऊपर में मारे जोर से मारे तो वहीं पर हिरण्य का शिव वहीं पर दुर्बल गया। बोले श्री भगवान बरहा देव की, इसलिए जो बरहा देव है इसलिए एक दो घाटे का नाम था हिरण्यनाथ्य और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यनाथ्य और हिरण्यकश्यप का मतलब क्या है, हिरण्यनाथ्य का मतलब होता है हिरण्य मतलब होता है सुवर्ण, अक्ष मतलब होता है आंखें, जिनके आंखें में सुवर्ण बैठा हुआ, बोले सुवर्ण बैठा हुआ मतलब क्या है, बोले जिनकी सुवर्ण में सारे पाप का आश्रय दिया, कली को उन्होंने किसको स्थान में दिया आश्रय, उन्होंने रजत में सोना में दिया, सारे पाप का आश्रय उन्होंने सोने में दिया है, मतलब कहाँ पर भी जाता भोग का विषय है, जहाँ पर ये सुवर्ण पैसा जाता है वहीं पर सारे पाप कर्म, वहीं पर अवैध रूप में स्त्री संग मांस खाना शराब पीना जुआ करना सारे कहाँ पर होता है,
जहाँ पर ज्यादा ये पैसा वहीं पर इतने सारे अधर्म वहीं पर निवास करते हैं। इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण मतलब होता है सुवर्ण, कशु मतलब होता है बिस्तरा, मतलब जिसका बिस्तरा भोग, जहाँ पर सोने का मतलब क्या, जहाँ केवल भोग ही भोग है। लेकिन इसको दूर कौन कर सकते हैं, कहते तो भगवान नरसिंह देव और भगवान श्री बरहार देव का कृपा होना, तभी ये जो भोग है, तभी ये भोग हमारे हृदय से वासना दूर हो सकती है और हमारे हृदय में भगवान की वास हो सकता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को निर्वाण किया। बोले यहाँ पर कह रहे हैं, कहते शाम का समय में हमें चार काम नहीं करने चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए, बोलो क्या क्या नहीं करनी चाहिए। शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए, शाम का समय जो सोएगा ना, कभी उसको पास में लक्ष्मी नहीं आएगा, दरिद्र हैं, दरिद्रता है। इसलिए शाम का समय में क्या करनी चाहिए, शाम का समय में ठाकुर आरती हरिनाम कीर्तन भजन पूजा पाठ करनी चाहिए हैं। इसलिए दूसरा काम क्या नहीं करनी चाहिए, शाम का समय पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़ोगे ना सब भूल जाओ, इसलिए उस समय में शाम का समय नहीं पढ़नी चाहिए। और शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए, जो शाम का समय में भोजन करेगा उसका कुछ पेट का जो रोग है वो कभी सही नहीं होगा, उधर का रोग उसको लगेगा। और जो चौथा काम है, शाम का समय में स्त्री वास नहीं करनी, स्त्री को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। ये हिरण्याक्ष की हिरण्य के सुख क्यों हुए, दीति दीति ठीक शाम का समय में बड़ी सुंदर में श्रृंगार की, श्रृंगार करके सीसा के सामने खड़ी हो गई, खड़ी होकर के जब अपना रूप को देखी, काम में इतने मुग्ध हो गई, इतने मुग्ध हो गई, उसने अपना पति स्त्री कौन पति कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि से प्रार्थना किया। कश्यप ऋषि ने कहा, देखो दीति ये जो समय है, शंकर जी अपना भूत प्रेत को लेकर के शाम का समय में ये भ्रमण करते हैं, ये जो समय है अच्छा समय नहीं, इसलिए तुम मेरे से मत मिला करो, या मेरे से तुम मिलना नहीं। लेकिन वो इतने कामातुर हो गए कि उसने जोर जबरदस्ती मिली, जब जोर जबरदस्ती मिली, कश्यप जी ने कहा तुमने अच्छा काम नहीं किया है, उसने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी गर्भ में राक्षस जन्म लगे हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो राक्षस जन्म ले, इतने में जीत तो दुखी हो गया। बोले मेरे से अपराध हो गई, मैं काम में आतुर हो गई थी, अब मेरे ऊपर कृपा करो। लेकिन उन्होंने पाप कर्म करके जब माफी मांगे, बोले ठीक है तुमने माफी मांगी है, इसलिए तुमको मैं कृपा करता हूँ, लेकिन एक बेटा तो होता राक्षस, लेकिन जो बेटा का जो बेटा है ना, वो भगवान के परम भक्त होगा, श्री प्रह्लाद महाराज जन्म लेंगे। इसलिए हिरण्यकशिपु का बेटा रूप में श्री प्रह्लाद महाराज आए। इसलिए कहती है भगवान श्री भगवान का दूसरा अवतार श्री बरहा अवतार। बोले तीसरा अवतार कौन, बोले तीसरा अवतार को श्री नारद जी आए। कहती है नारद जगत गुरु है, सबका गुरु श्री नारद, विशेष करके कि चार चेले थे, दो बालक और दो बुद्ध, दो बालक कौन हुए, एक प्रह्लाद और एक विभीषण, और इनकी ऐसे कृपा रही, इनकी कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवतना, लेकिन इनकी कृपा ऐसे ऐसे उन्होंने ध्रुव प्रह्लाद को कृपा की, दोनों ही पाँच साल उम्र में भगवत प्राप्त हुए, दोनों को पाँच साल उम्र में, ध्रुव जी को छः महीने में भगवत दर्शन दिए, प्रह्लाद महाराज तो खंभे से ही ठाकुर को प्रकट कर दिया है, खंभे से प्रकट कर दिया ठाकुर जी से। इसलिए दो और चेले कौन हुए, एक व्यास देव और एक वाल्मीकि हुए, और ये दो जो महापुरुष जो ग्रंथ हुए हमारी सनातन धर्म के सबसे जो श्रेष्ठ दो ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किया, वाल्मीकि ने श्री रामायण और श्री व्यास देव ने श्री भागवत, ये दो अनमोल ग्रंथ ये उन्होंने प्रकाशित किया। और नारद एक नारद पंचरात्र के ग्रंथ है, बहुत बड़े सुंदर ग्रंथ है, जिसमें भक्ति की इतने सुंदर, जो भक्ति रे वय नये थी, भक्ति रे वय दर्शन थी, उसको आपने भक्ति पुरुषा भक्ति है वो दर्शन, इसलिए भक्ति की इतने सुंदर वर्णना किया नारद पंचरात्र में,
अद्भुत रूप में आए और जगत श्री इनके छोड़ कर कोई लीला नहीं हुई। कृष्ण लीला का कारण जगत यही और राम लीला का कारण भी यही है। इनके बगैर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे भगवान की कहते भगवान की नारद जो है ना भगवान के मन के अवतार श्री नारद जी है। भगवान का जो चौथा अवतार है कहते नर नारायण है। नर नारायण रूप में कहते श्री हिमालय जहाँ पर श्री बद्रीनाथ में ये तपस्या कर रहे हैं। भले भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो जीव करेगा, भगवान क्यों कर रहे हैं? बोले उसका कारण बहुत बताए। पहला कारण बताए, एक समय नारद जी इसी मर्त्य जगत में आए, सबको पास में गए, सबसे पूछे सब ठीक ठाक होना, ऊपर से सबसे संबंधित लाए ठीक ठाक, लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछा जाए तो कोई भी ठीक नहीं, कोई राय की नहीं, सब सर रहने कोई संसार में सुखी नहीं, तन से मन से धन से सब कुछ। जब उन्होंने पहुंचे वैकुंठ में देखा भगवान अनंत नाग पर सहन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी और सारे देवता लोग भगवान को शांत आराम भुजग भगवान को स्तुति कर रहे थे और लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी और भगवान मुस्कुरा रहे थे। नारद जी वहाँ पर पहुँच करके बोले प्रभु दुनिया को आपने सृष्टि कर दिया, दुनिया को और दुनिया सबके सब दुखी में पड़े हुए, अब तो अपना पत्नी को लेकर लक्ष्मी को लेकर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, अपना लक्ष्मी को लेकर आनंद ले रहे हो, अनंत सज्जा इतने में नारायण ने बोले नारद जी क्या बोल दो, साफ साफ बोलो। बोले प्रभु साफ साफ क्या बोलेगी, अभी अभी मैं मरते जगत से आ रहा हूँ, सब जीव संसार में दुखी दुखी है, दुखी दुखी, लेकिन यहाँ तक आप आनंद ले रहे। बोले बताना क्या चाहते हो? बोले प्रभु कहते दुखी क्यों संसार में थी, दुख का कारण क्या है? दुख का एक ही कारण है, कृष्णा बोली सही जीव अनाज गई वो अतएव माया कर दे संसार आदि। सारे दुख का जड़ एक ही चीज है, हम लोग ने भगवान की भजन छोड़ दिया, कृष्ण को हमने भूल गया, भूल करके ये माया में आ गए, इसलिए संसार का सारे दुख है। सारे जड़ यही है, जब तक ये जीव भजन नहीं करेगा है तब तक ये जीव को कभी सुख शांति मिल नहीं सकता है। इसलिए कहते हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, कहते भगवान से विमुख होकर के रावण तक भी सुख नहीं मिला है। हम सोचते हैं धन मिलने पर सुख मिल जाएंगे, बड़ी सुंदर स्त्री बीवी से शादी करने पर सुख मिल जाएंगे, क्या रावण के पास में किसी की कभी कुछ सोने की लगता है? एक से एक सुंदर से सुंदर स्त्री जहाँ मिला उसको पकड़ पकड़ के उसने अपना पत्नी बनाया है, कितना संसार उसने सुखी हुआ है। बोले सारे दुख का कारण भगवान को बोलने का वजह से, इसलिए प्रभु ये जी भजन कब करेंगे, कर जत जत आचरति श्रेष्ठ तत तत देव इतर जना सजत प्रमाण पुरते लोकस्तर। श्रेष्ठ व्यक्ति जो काम करेगा, नीचे का व्यक्ति उसको देख के ही सीखेगा। आप तो दुनिया का मालिक हो, ये सब पता तुम्हें याद है यार, तो भागवत बता दो मैं इसे पता होगा वहाँ पर भक्तों का नाम लोग इसलिए भगवान कथा सुनाने के उसका अंदर शिक्षा भी बोलनी चाहिए, पूरी कहानी कहानी नहीं होनी चाहिए, इसमें शिक्षा की बात होनी चाहिए। हमारी कथा बोलने का एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से लोगों को घुमा फिरा के भजन में लगा, तभी हमारी भजन में लगा दो और भगवान का नाम करे एकादशी व्रत कर बात इतना कर दिया तो हमारी कथा बोलना सार्थक कथा होगी। इसलिए सारी कथा यही तात्पर्य भजन कर, भजन के सिवा जगत कुछ है। इसलिए यहाँ पर बताए जब तक भजन नहीं करेगा सुखी नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करेगा, छोटे व्यक्ति तो वही सीखेगा, प्रभु आप जो कर रहे हैं लोग तो वही सीखेगा। बोले नारद घुमा फिरा करके बात कर रहे हो, अरे डायरेक्ट बोलो ना क्या बोलना चाहते हो? प्रभु जगत का मालिक आप लोग सबसे बड़ा थे हाँ, बोले जगत को सृष्टि आपने क्या बोले हाँ, बोले आप क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हो? बोले आप लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए, लक्ष्मी को भी आपका चरण छोड़ती नहीं, हर तो गोद में लेकर बैठे हुए दुनिया में लगा। जब भगवान अपना लक्ष्मी को दिन भर लेकर पड़े हुए, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी पड़े रहे, हम भी दिन भर लक्ष्मी को लेकर पड़े रहे। बोले फिर तो क्या करनी चाहिए? बोले प्रभु अगर आप भजन करेंगे ना, साधन करेंगे, फिर जीव आपसे सीखेंगे नहीं, ये जीवन पाकर भजन करनी चाहिए। ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ।
अभी नारायण चल पड़े करने के लिए, मतलब कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए, देख लोग सुना दो दो बढ़िया बढ़िया प्रसाद हलवा पास्ता पिज्जा फिर पहले हमारे से मुरारी रोड की कल परसों की लिट्टी बनाएंगे, कल डोसा बनाएंगे, फिर सांभर बनाएंगे, हमारे परमानंद प्रभु रोज रोज क्या बनाते हैं, हलवा रोज हमारे हरीश प्रभु अरे हमारे श्री इसलिए सोच रहे भैया कोई 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 बढ़िया जगह होनी चाहिए ना भजन के लिए, कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए जहाँ पर बैठ कर के भजन करें और सब कुछ बढ़िया मिल जाए। अभी ठाकुर जी ढूंढ रहे थे, अभी ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहाँ पर, बद्रीनाथ में। तुम्हें सुंदर कौन कौन बद्रीनाथ गए हो, हाथ उठाओ तो, एक तो इस बार तो हम सोच रहे थे हमारी किसी भाग्य से वहाँ पर भागवत कथा रखने का इच्छा था, पिछली बार कथा था लेकिन कोरोना ने गड़बड़ कर दिया, इस बार भी हो सकता था लेकिन आप केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जाओ सारा भूलना भूल जाओ, इतने सुंदर स्थान है, सुंदर नदी कैसे बह रही है, झरना आ रहे हैं, ऊपर जाओ तो जैसे पूरा मरीजा जैसे पूरा मैं उनको स्पर्श करते हुए मैं को तुम मैं को अंदर से जा रहे हो, बहुत बढ़िया स्थान इसलिए जब उन्होंने वहाँ पर गए ना, जब उन्होंने वहाँ पर गए वहाँ पर गया तो इतना सुंदर जहाँ अलका नंदा बह रही है, जहाँ सरस्वती नदी इतने जोर से सरस्वती नदी और इतने प्रखर तेज वहाँ पर, यहाँ पर भीम पुल है, जब वो नदी को पार होना चाह रहे थे पंचे पाटे होकर उधर जा रहे थे ना अंतिम समय में, तब उन्होंने पार कैसे होंगे गदा मारे मारे तो पहाड़ का एक टुकड़ा टूटा और भीम लेकर के वहाँ पर रख दिया, वो पुल को देख लोगे ना पता चलेगा भीम में कितना शक्ति था, कितना शक्ति था, कैसे उन्होंने उठा कर उसको पुल रूप में उन्होंने कैसे बना दिया, जहाँ पर व्यास देव बैठ के भागवत ग्रंथों को यहाँ पर गुफा है, जहाँ पर व्यास देव जी ने बड़े सुंदर वहाँ पर भागवत ग्रंथ रचना की, बहुत सुंदर स्थान है। जब उन्होंने वहीं पर जब पहुँचे भगवान और वहाँ पर देखो आश्चर्य बात भगवान क्या सृष्टि है, वहाँ पर पानी कितना ठंडा लेकिन ठाकुर जी वहाँ तब तक उनका सृष्टि किया अद्भुत तब तक उनका पानी कितने सुंदर गर्म होता है, और जब हम यमुनोत्री गए वहाँ पर भी इतनी ठंडा पड़ी लेकिन बर्फ पिघल करके बह रहा है, गर्म एकदम पिघल करके बह रहा है, लेकिन वहाँ पर ठाकुर जी ने कैसे सृष्टि किया तब तक उसे वहाँ पर दोनों कुंडों को मिला कर गर्म पानी ठंडा पानी दोनों को मिला कर एक कुंड बना दिया, जहाँ पर दोनों मिलकर के जो स्नान करते हैं इस कुंड में वहीं पर बैठ करके वहीं पर स्नान करते, बड़ा सुंदर नर्मदा का स्थान है। इसलिए उन्होंने जब वहाँ पर पहुँचे भगवान ने देखा बढ़िया सुंदर स्थान भैया कहीं पर भजन करेंगे, लेकिन वो पहले था शंकर जी का स्थान, शंकर जी पार्वती को साथ में रहते थे, भगवान ने कहा इनको भगाना पड़ गया रोज वहाँ तप्त कुंड में शंकर पार्वती स्नान के लिए आते थे, इतने में ठाकुर ने एक छोटा सुंदर बालक रख दिया और बर्फ के ऊपर पड़ करके ना रोना शुरू कर दिया, शंकर जी आगे आगे माता जी पीछे पीछे जा रही थी, शंकर तो समझ गए भैया दाल की जो दाल है बच्चा कहाँ जा रही है, लेकिन पीछे माता जी चल रही थी, माँ को हृदय में बात्सल्य है, छोटा बच्चा रो रहा है, देख करके माता जी ने गोद में उठा लिया, शंकर जी से पूछा आपको देखा ही नहीं इतने छोटा सा बालक, बोले पार्वती को लगता है दाल में कुछ काला, बोले काला है छोटा बच्चा कुछ इतना कहीं नहीं हो रहा है दाल में काला, बच्चे को मैं घर में सुला करके आती हूँ, घर में सुला करके दोनों आए स्नान करके जो वापस गए ना तो भगवान स्वयं नारायण थे अंदर से पूरी भर गए, और जब शंकर जी आकर के खटखटाए और दरवाजा ही नहीं खोला, शंकर जी बोले पार्वती पहले से मैं साफ स्नान कर रहा था कुछ गड़बड़ी है,
देखा तुमने सुलाया था हमारे गरीब तक मिल गई थी शंकर जी ध्यान लगा ये कौन उन्होंने देखा बोले प्रभु नारायण प्रभु अगर आपको यहीं रहने का इच्छा नहीं रहो मैं तो और कहीं जा रहा हूँ फिर उन्होंने केदारनाथ चले मुझे छोड़ कर मैंने केदारनाथ चले गए इसलिए वहीं पर फिर नारायण ऋषि वहीं पर बैठ करके वहीं पर तपस्या कर रहे हैं और भगवान का वरदान बोले क्या वरदान है अगर कोई कष्ट कर लोग इतना कष्ट कर क्यों जा रहे जाने का कारण क्या यही कारण है देखा कलयुग का जीव इसमें कठोर साधन कर नहीं सकता है भजन साधन नहीं कर सकता है अगर कोई कष्ट करके यहाँ पर आए और मुझे एक बार तो दर्शन कर ले दर्शन मात्र से ही मैं यहाँ जो तपस्या कर रहा हूँ तपस्या का छठवा भाग का फल अपने आप प्राप्त हो केवल दर्शन मात्र से इसलिए पहले तो इतनी कठोर था पहले लोग बूढ़ा उम्र में जाते थे तीर्थ करने के लिए जब जाते थे बोल कर जाते थे लगता है शायद हम और आ नहीं पाएंगे हमारे अंतिम संस्कार कर जो पहले का जो रास्ता था ना अभी तक तो कोई कष्ट नहीं गाड़ी में बैठो सीधा उतर है लेकिन केदारनाथ और जमुनोत्री में चढ़ना पड़ता है अगर कोई मूल गंगोत्री गोमुखी जाना चाहता है वहाँ पर थोड़ा कष्ट है लेकिन वैसे कोई जगह कोई ये है ही है इसलिए पहले पेड़ को पकड़ पकड़ करके पतली पतली रास्ता में बड़ी कठिनी से लोग जाते थे यात्रा करते थे बड़ी कठिनी से जाना पड़ता था अभी तो वो टूरिस्ट प्लेस हो गया है लोगों का छुट्टी मिल रहा है ना अपना बाल बच्चे को लेकर पहुँच जाते हैं इधर तो बहुत गर्मी है आराम वहाँ पर है वहाँ पर डबल बोल कर सो बड़े सुंदर स्थान बढ़िया स्थान है कितने सुंदर ऐसे लगता है जैसे आकाश से दूर आए बात बड़े सुंदर सुंदर बड़े सुंदर स्थान है हैं एक बार सबको ले जाएंगे इसलिए वहाँ पर उन्होंने हाँ इसलिए भगवान क्या वरदान है जो यहाँ आगे दर्शन करेगा उसको छठवा भाव का फल मिलेगा और गंगोत्री गंगा कितना महिमा यमुनोत्री उससे कहते यमुना का तो 100 गुण गंगा से महिमा यमुना की गंगा में स्नान करने पर जो फल मिलता है यमुना का स्मरण करने से वही फल मिलता है इतने यमुना की इतने महिमा है स्वयं राधा कृष्ण का प्रेम ही ये द्रवीभूत होकर श्री यमुना नदी रूप में और कालिंद रूप में कृष्ण रंग में ये रही हुई ये कृष्ण की पटरानी ये मथुरा में और यहाँ पर कृष्ण की सखी विशा का सखी है ये यमुना महारानी इसलिए जितना महिमा और केदारनाथ शंकर भोले बाबा श्री वैष्णवानंद जता सबको और बद्रीनाथ इसलिए कहते एक बार जीवन में उनको कोई दर्शन करना कहते फिर जगत में पुनर्जन्म नहीं इतने महिमा ये चार धाम दर्शन करने का है इसलिए अभी एक दिन नारद जी भगवान तो वहीं पर तपस्या कर रहे हैं जब तपस्या कर रहे हैं एक दिन नारद जी एक दिन आए वैकुंठ में बोले प्रभु कहाँ बोले पता नहीं प्रभु तो गए अभी तक वापस ही नहीं आए बोले प्रभु तो तपस्या कर रहे हैं अभी कहाँ बोले बद्रीनाथ बोले तपस्या कर रहे हैं बोले हाँ इतने में माता लक्ष्मी आए प्रभु क्या कर रहे आप अभी देखा लोग जी एकदम पहाड़ के ऊपर बैठी रहती धूप में बैठी रहती प्रभु तो तपस्या कर रहे इतने में लक्ष्मी ने क्या की उनका सर के ऊपर में एक सुंदर देर भीतर बन गए सुंदर सुंदर छाया कर दी जब छाया कर दी अब धूप आ रहा था इतने में नारायण देखा इतने मीठी मीठी छाया और मीठी मीठी हवा से भर जा नारायण जो ऊपर में देखा देखा माँ लक्ष्मी स्वयं पैर वृक्ष की बन बन करके यहाँ पर ठाकुर जी को छाया कर रहे हैं इसलिए कहते बद्री नारायण कहते बद्री ईसा जैसे लक्ष्मी नारायण सीता राम राधे श्याम उसी तरह उनका नाम बद्री नारायण बद्री मतलब माँ लक्ष्मी लक्ष्मी ये पैर वृक्ष बनी हुई है और नारायण है इसलिए कहते ये एक कथा है कहते तो दूसरा कथा आती है कहते एक राक्षस था जिनका नाम था सहस्र कवच उसने सूर्य देव को उन्होंने आराधना की जब सूर्य देव का आराधना की सूर्य देव ने कहा वर मांगो बोले मेरे को 1000 कवच कुंडल चाहिए बोले फिर बोले ये कवच कुंडल तभी एक कवच कुंडल कोई तोड़ सकता है अगर मेरे साथ में 1000 साल तक अगर कोई कंटिन्यू जूझा करे 1000 साल तक तब भी मेरा कवच कुंडल कोई तोड़ सकता है लेकिन जो तोड़ेगा वो मरेगा जो तोड़ेगा ये मरेगा मेरे वरदान
अभी बलिदान दे दो। सारा दुनिया में तो उसने टहलका मचा, टहलका मचा के क्यों अमर हो गया तरह से, क्योंकि 1000 साल कोई युद्ध करेगा तब उसको एक तब कवच को मतलब उसको 1000 कवच को मतलब हुआ, और पूरा कवच कंट्री जब कोई काट डालेगा तभी आदमी उसको मार सकता है, और जो एक को काटेगा 1000 साल युद्ध करने पर, एक जो काटेगा वो मरेगा, जो मरेगा फिर युद्ध भी रहेगा, एक तरह से वो अमर हो गया। अभी दुनिया में तो उसने पूरा टहलका मचा दिया, सारा दुनिया में है इतने टहलका मचा दिया, अभी क्या होगा, कोई युद्ध करने के लिए नहीं जाए, और सारा दुनिया में बदमाश भी कर रहा है। इतने में श्री भगवान के पास में गए, बोले ठाकुर जी ऐसे ऐसे बात है, इतने में भगवान बोले, भगवान तो हर तरह का नंबर लगा सकते हैं, बोले कोई चिंता मत करो, हैं कोई चिंता मत करो। उन्होंने बोले जब सबको पास में युद्ध करने के लिए मैं भैया कह जाता हूँ, कोई युद्ध नहीं कर सकते, अगर कोई युद्ध कर सकता तो बद्रीनाथ चलेगा, वहाँ पर नारायण तपस्या कर रहे हैं, वही केवल तुम्हारे साथ में युद्ध कर सकता है। पहुँच गया कहाँ पर, बद्रीनाथ में पहुँच करके वहाँ भगवान को चुनौती दिया, भगवान हर तरह का नंबर लगाना जानते हैं, ठाकुर जी खड़े होकर युद्ध किया, युद्ध करते करते 1000 साल में उन्होंने क्या किया, उसको एक कवच को काट दिया, जब काट दिया बरदान किया तो काट का मरेगा, इतने भगवान मरने का बहाना बनाए, जब बहाना बनाए इतने नरक खड़ा हो गया, नरक कौन है, अर्जुन, उसने कहा मैंने एक इतना दिन तक जो मैंने तपस्या कर रहा था, ये तपस्या फल मैं अपना मित्र को देता हूँ, मित्र मिल जाए जिंदा हो जाए, वो देते ही तो फिर भगवान जिंदा हो गए, फिर भगवान तपस्या में बैठ गए, अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने युद्ध करते 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 1000 साल युद्ध करते करते एक कवच कुंडल को फिर काट दिया, जब काट दिया फिर अर्जुन बेहोश हो गया, फिर भगवान खड़े हो गए, भगवान खड़े होकर बोले मैंने 1000 साल तक मैंने जो तपस्या की वो तपस्या फल मैं अपना मित्र को देता हूँ, मेरे मित्र जग गया, फिर अर्जुन जग गया, फिर ऐसे करते करते उसको 999 कवच मंडल काट दिए, जब काट दिए उसने देखा भैया तुम सारे कवच मंडल काट दिए और एक कवच काट दिए, लगता है मेरे राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर वहां से भगा छोड़कर रण छोड़कर भागी, और सूर्य को उपासना करता था सूर्य मंडल में, वही जाकर छूट गया, जब छूट गया इतने में कुंती ने दुर्वासा जी ने उसको जो माला दिया था, ये माला जब करते हुए जिसको तो स्मरण कर गए वही आएगा, इसलिए उन्होंने कुमारी अवस्था में उन्होंने किसको याद किया था, सूर्य देवता को जब किया, और ये राक्षस उसी सूर्य देवता का मंडल छुपा था, और सूर्य को उन्होंने निमित्त करके उन्होंने कुंती की गर्भ में आई, इसलिए कर्ण जन्म हुआ, ये कर्ण का शरीर में कवच कुंडल लगा हुआ, क्योंकि एक कवच को पास जब बाकी था वही कर्ण बना, जब वही कर्ण बना, अभी पहले नारायण फिर नर फिर नारायण नर, अभी बारी आया नर का, पहले नारायण का हो गया था, बारी किसका था, नर का, अभी वही नर नारायण अभी कौन रूप में आए, कृष्ण और अर्जुन रूप में आए, और अर्जुन का नंबर आया, और अर्जुन ने किया कि अपने लास्ट में कर्ण को उन्होंने ये चीज बड़ी लंबी कथा है, ये बड़ी लंबी कथा है, इसलिए यदि नर नारायण कहते भगवान की जो चौथा अवतार है, यदि श्री नर नारायण रूप में भगवान आए हैं, उसको बाद में जो भगवान श्री कपिल मुनि रूप में आए, फिर दत्तात्रेय, फिर यज्ञ, फिर ऋषभ, मृत्यु, मत्स्य, कुर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, कृष्णा, बुद्धा एवं कलि रूप में भगवान ऐसे ही 26 अवतार बना रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 26 अवतार को गिना रहे थे उसमें किसका नाम ले लिया, कृष्ण का नाम ले लिया, अभी सुतो गोस्वामी कृष्ण नाम को लेकर के बोले भैया मुझे गड़बड़ी कर दी, क्योंकि मैंने कृष्ण को भी क्या बोल दिया थे एक अवतार, इसलिए उधर डर कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण के लिए उन्होंने एक अलग स्वरूप बनाया, भगवान स्वयं अलग श्लोक उन्होंने अलग श्लोक बनाए, कारण क्या मेरे कारण बताए, जैसे हमारे मंदिर में कोई उत्सव है, उत्सव में हम सब लोगों को निमंत्रण किया, हमारे मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव लेकर राधाष्टमी उत्सव आ सबके निमंत्रण किया, हम योगी को भी बोला
या जो भी आप यहाँ और भगवान की राधाष्टम जन्माष्टमी आप लेकिन फिर जो भी आए जो भी जानते ना कौन अभी कौन मुख्यमंत्री लेकिन फिर आम व्यक्ति हैं आम व्यक्ति जिस लाइन में बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे थे हमारे ध्यान नहीं आया जो भी आया और आम व्यक्ति तो बीच में बैठे लेकिन जब हमारी नजर पड़ी हम क्या करेंगे बोले भैया हमारे मेन गेस्ट जो भी आया भैया इधर वहाँ इधर आओ उसको लेकर क्या करेंगे उसके लिए अलग आप उच्च आसन देंगे सभी को उच्च आसन देकर उसको बैठाएंगे बैठा बैठ के उसको विशेष सम्मान करेंगे इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी किसके नाम ले रहे थे अवतार का नाम ले रहे लेकिन उन्होंने अवतार का नाम को लेते 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 कृष्ण किसका नाम ले लिया कृष्ण को भी एक लाइन में उन्होंने कृष्ण का नाम ले लिया इसलिए सुत गोस्वामी का भी गड़बड़ी कर दी अवतार का नाम ले लेकर के कृष्ण का नाम भी हमने ले लिया गड़बड़ी हो गया इसलिए उन्होंने किया कि हमको अलग उनको नजर आया के लिए अलग सिंहासन बनाए भगवान रत्न सिंहासन में सबसे ऊंचे सिंहासन बनाए और भगवान को वहाँ सबसे उच्च आसन ले करके और उन्होंने अंतिम समय अभी तक मैंने जितने अवतार का नाम लिया कोई अंश और कोई अंश का अंश है कोई कला है लेकिन जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं लेकिन जो कृष्ण है ना ये पूर्ण ब्रह्म कौन है कृष्ण ही ये पूर्ण ब्रह्म तक इसी श्लोक को ऊपर में इसी श्लोक लेकर के जो नारायण का जो भक्त है ना नारायण इतने चार से कला पुंसा इतने अंश कला कौन है बोले पुंस पुंस अवतार कि नारायण का नारायण के लेकर लगाते चैतन्य चरितामृत पढ़ के देखना वहां पर पूरा नारायण लगा जिस श्लोक का हम कृष्ण में लगाते हैं उसी श्लोक में नारायण में लगाते हैं उनको बोलो पूरा नारायण को पूर्ण ब्रह्म रूप में बोले नारायण कृष्ण तो द्वापर युग में आया राम तृतीय युग में आया कुछ कुछ लोग तो पहले हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोले राम तृतीय की तो कृष्ण तो द्वापर युग में आया कृष्ण नारायण अनादि लेकिन आदि कमर से सृष्टि से पहले ब्रह्मा की सृष्टि हुई है ब्रह्मा की सृष्टि हुई इसलिए यहाँ पर नारायण को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापना करते हैं लेकिन हमारे श्री सुतो गोस्वामी कहते लघु भागवता मृत ग्रंथ में उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म रूप में बहुत अच्छे तरह से उन्होंने स्थापन किया बोले जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहते जो स्वयं शब्द है स्वयं मतलब क्या होता है बोले अनन्य पेक्षम जद्रूपम स्वयं रूपम सहज स्वयं रूप उसको कहते हैं जैसे श्री जीव गोस्वामी उन्होंने हरिनाम के व्याकरण में जो स्वर अक्षर उन्होंने सर्व सर बताए और जो व्यंजन वर्ण को उन्होंने विष्णु जन बताया हरिनाम के व्याकरण है स्वर वर्ण को उन्होंने सर्व स्वर और व्यंजन वर्ण को उन्होंने विष्णु रूप विष्णु जन बताया हमने क्यों कहते सर्वेश्वर मतलब क्या जैसे अ आ ई ई उ ऊ री ली वो किसी अक्षर का बिना मदद किए हुए अक्षर उच्चारण होता है जैसे कृष्ण कौन है कि सर्वेश्वर क्योंकि अनन्य पेक्षम जत रूपम कृष्ण और किसी रूप को अपेक्षा नहीं करते हैं स्वयं रूपम समुच्चते वो स्वयं है इसलिए रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं इसमें लघु भागवत मृत में कहते जैसे एक जो एक संख्या वो किसी संख्या का मदद नहीं लेता लेकिन जब दो बोलो एक एक मिलकर के दो होगा तीन बोलो तीन तीन बोलो दो एक मिलकर के तीन होगा चार बोलो दो दो मिलकर चार होगा नहीं तो तीन एक मिलकर चार होगा लेकिन एक बोलो किसी संख्या का मदद लेता है किसी संख्या का मदद लिए बगैर एक बोलता है उसी तरह जो स्वयं शब्द है स्वयं मतलब जो स्वयं पूर्ण है तब उन्होंने उदाहरण दिया गोस्वामी उदाहरण देते हैं जैसे ये जो स्वयं शब्द भागवत में तीन जगह में स्वयं शब्द आया जैसे हम कहते ना हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवल तलो नास्ते व गति रहता जैसे वहां पर तीन बार बताया ना कोई बात को अगर तीन बार बोल तो क्या हो जाता है वो बात को दृढ़ हो जाता है उसी तरह भागवत में स्वयं शब्द को तीन बार दिखाया कहाँ कहाँ पर स्वयं शब्द तीन बार कहते एक शब्द तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं यहाँ पर एक हो है
दूसरा जो स्वयं शब्द है, कहते स्वयं तो असमाप्त प्रगत विषय, ये कौन कह रहे हैं? बोलो, उद्धव जी कह रहे हैं। हाँ, मैत्रेय को साथ में जब उसको भेंट होगा, ये उद्धव मैत्रेय को ये बात कह रहे हैं, कृष्ण की विभुता को वर्णना कर रहे हैं। कृष्ण है क्या चीज? स्वयं तो असमाप्त प्रगत विषय, उसके बाद में स्वराज्य लक्ष्मा समस्त काम बलि हर धीर चिर लोकपाल पर कृष्ण की विभूति को वर्णना कर रहे हैं। कृष्ण कौन है? वहाँ पर स्वयं असमाप्त, जिनकी बड़े की बात छोड़ दो, जगत में जिनकी बराबर जगत में कोई है नहीं, इसी को कौन है? असमर्थ तत्व न तत् समस्या विश्वते, जिनकी बड़े की बात छोड़ दो, जिनकी बराबर जगत में कोई नहीं। ये दो कितना हो गया? दो सब दो स्वयं हो गया। जो तीसरा जो स्वयं शब्द को कहते हैं, कृष्ण जब मातृ गर्भ में आए, देव की गर्भ में, कभी सब देवता लोग होकर के स्वयं की लहरी, तो स्वयं की वहाँ पर स्वयं शब्द वहाँ से देवता लोग स्तुति में कहते हैं, हरि तो स्वयं की लह, वहाँ पर भी स्वयं शब्द है, ये देवता की स्तुति में, इसलिए कहते हैं वहाँ पर ये तीन तीन बार जो स्वयं शब्द कृष्ण के लिए बताया गया है। रूप गोस्वामी मृत्यु में वहाँ पर जो हतारी गतिदाय, हतारी गतिदाय कहते दूसरे दूसरे अवतार लोग को दिया है, राम भी दिए हैं, नरसिंहदेव भी दिए हैं, लेकिन कृष्ण जैसे हतारी गतिदाय को दिए ऐसे किसी ने नहीं, उतना को मार कर यहाँ पर स्थान दिया, बोला राम ने भी नहीं दिए। फिर उसको उदाहरण बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं जैसे जय विजय, जय विजय जब अभिशाप ग्रस्त होकर तीन जन्म में आए, पहला जन्म में कौन आए? हिरण्यकश्यप के हिरण्यकश्यप, उनको किसने मारे? वराह और नरसिंहदेव मारे, उनको मुक्ति नहीं हुई, इनका हाथ में मरते हुए भी मुक्ति नहीं हुई। फिर दूसरे रूप में कब आए? रावण और कुंभकर्ण, किसने मारे? राम, तभी उनको मुक्ति नहीं हुई। तीसरा बार में कब आए? दंतवक्र शिशुपाल, जब दंतवक्र शिशुपाल रूप में आए, जब उन्हें कृष्ण हाथ में मारे तभी जाकर उनको मुक्ति हुई, उसको पहले तक उनको मुक्ति नहीं मिली। जब तक कृष्ण यहाँ पर कहते हैं वहाँ पर कि गुण रूप गोस्वामी के जो मन रंजन टाइप के गुण, वहाँ पर एक अच्छी बात बताते हैं, कहते जब भी सब अवतार में है लेकिन कृष्ण के अंदर में कोई गुण जो विशेष गुण है तो ये कृष्ण ही अंदर में और किसी अवतार में नहीं। उन्होंने प्रश्न कहते हैं, कहते लता स्वी प्रेम क्या श्लोक है? संतावतार भव पंकज नाम से कृष्णाजन्य को वा लता स्वी प्रेम भवती, भगवान के बहुत सा अवतार है लेकिन कृष्ण के बगैर ऐसे कोई हुए तो लता प्रधान को भी प्रेम होता है, तो वे कृष्ण प्रधान की। फिर वहां पर फिर प्रश्न उठाते हैं, राम जी से जब भगवान राम वनवास में गए उस समय पेड़ पौधा भी हो रहे थे, जब राम भरत का मिलन हुआ ना वहाँ पर देखना, वहाँ पर गए हो अयोध्या कौन गए? कोई नहीं गए। चित्रकूट कौन गए? चित्रकूट गए। वहाँ पर जो राम भरत मिलन हुए पूरा वहाँ पहाड़ है पूरा द्रवीभूत हो गए, वहाँ पर भी पहाड़ द्रवीभूत हो गया, बोले भैया राम बाबा बता रहे थे, बोले कृष्णा बता रहे थे, कृष्ण को कितने अवतार किया, कि बहुत अच्छे उन्होंने कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म रूप में स्थापन करते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं और विशेष करके कृष्ण के अंदर में विशेष करके चार गुण हैं जो और किसी अवतार के अंदर क्या क्या गुण चार बोलो, ये जो श्लोक है ना चार तुम याद करें, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडल त्रिजगत मानसाकर्षि मुरली कलकुंडित अश्वमानार्ध रूप श्री भीष्मापित चराचर। यदि कृष्ण गर्जन में विशेष करके चार गुण में पहला गुण क्या है, बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, कृष्ण जितने सुंदर लीला की है भक्त का प्रेम में दशीभूत का जितना लीला किया कोई नहीं, कोई नहीं कि इतना सुंदर लीला उतना राशि का किसी
कृष्ण को छोड़कर विलास किया, उसने किए बसुरी, किसने बजाई? एक कृष्ण ने बजाई जो त्रिभुवन को आकर्षित किया मैया के प्रेम में, बसुरी तो कल अभी तक भगवान के बांध पाए, भगवान का कान कोई बोले, भगवान किसका अंतर झूठा खाए किसी ने, भगवान किसका झूठा खाए, भगवान कभी किसी घोड़े बन गए? ये कृष्ण अवतार में तो इतने प्रेम में भगवान बसुरी को हुए और किसी लीला में बसुरी को नहीं हुए। इसलिए उनका जो पहला लीला है लीला, लीला में कौन सा लीला विशेष करके थी? रास लीला है, चमत्कार किया माधुर्य प्रेम मंडित और प्रिय मंडलम। उनका जो दूसरा जो माधुर्य है प्रेम माधुर्य, तो प्रेम माधुर्य के लिए रूप गोस्वामी ने दो दो उन्होंने उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण दिया रासलीला है, कृष्ण जब गोपियों के साथ में रासलीला की, जब ब्रह्मा का एक दिन तक है, एक कितना ब्रह्मा का एक दिन कितना दस हजार चतुर्युग है, इतना दिन तक उन्होंने रासलीला की, हाँ एक रात ब्रह्मा का जब 10,000 चतुर्युग तक इतना सौ साल तक किया, लेकिन गोपियों को कैसे लगा? जैसे अभी आए और अभी लग रहा है, मतलब इतने आनंद प्रेम कृष्ण अंदर में 10,000 चतुर्युग भी उनको ऐसे लगा जैसे एक क्षण में ही खत्म हो गए। दूसरा कृष्ण जब गोचारण करते हुए जब कृष्ण ब्रज में आते हैं और कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर बैठी बैठी कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, बंसी ध्वनि सुनकर के जब गोपियाँ बाहर आती हैं और जो अपना घूंघट को उतार कर उन्हें कृष्ण का दर्शन करती हैं, जब उनका आंखों का पलक जब झपकती हैं क्या कहती हैं? वित्रुपी सुगायते त्वाम अपश्यता कुटिल गोस्तला श्रीमुखं गते जरा दीक्षताम पद्मकी दृष्टा। इसलिए वहां पर जब कृष्ण को दर्शन करती है गोपियां अपना घूंघट उतार करती है, आंखों का पलक जब झपकती है, उदाहरण देते हैं कृष्ण का मुख कैसे है जैसे कमल है और जैसे घुंघराली केस कैसे है जैसे घोड़ा बैठे हुए, कहते गैया का खूर से जो धूल उड़ रही वो क्या है जैसे पाउडर बैठे ऐसे कृष्णा इतना सुंदर, लेकिन वो रूप को जब दर्शन करते हैं आंखों का पलक जब झपकती है पता नहीं चलता कितनी जल्दी पलक झप जाती है, लेकिन इतना समय भी क्या लगता है जैसे पर्वत साल टूट गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर। ब्रह्मा जी को निंदा करके ब्रह्मा तुमको तो सृष्टि करना आता ही नहीं, कृष्ण इतने सुंदर दर्शन करने के लिए तुमने हजार हजार आंख दे दिया, वो ही आंखें दिए उसको कर लिया आंखों में ये पलक झपकी, कहते प्रेम माधुर्य। तीसरा जो माधुर्य क्या है उनकी प्रेम माधुर्य, इसलिए प्रति जगत मानस आकर से मुरली कलक को जीता। जब कृष्ण बंसी ध्वनि कहते हैं त्रिभुवन को मुक्त कर देते हैं, इसलिए रघु गोस्वामी कहते हैं पृथ्वी में जितने भी म्यूजिक है, पृथ्वी में जितने भी म्यूजिक है सारे उसका जो मधुरता को एकत्रित कर दो, लेकिन जो बंसुरी की जो माधुरता है जैसे समुद्र जैसे बंसुरी की माधुरता एक अथा समुद्र जैसे, जब उसका एक बूंद के साथ में भी ये पृथ्वी का सारे जो म्यूजिक का माधुर्य को बराबर नहीं कर सकती तुमने बंसुरी की ध्वनि में, इसलिए रुंधन डुबरी चमत्कृत पर श्लोक याद है, श्लोक है कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं चतुर्सन का ध्यान रुक जाती है, ब्रह्म का तपस्या खत्म हो जाती है, इसको सुन करके अनंत देव का सर गर्भोदान लगती है, इसलिए जिनकी बंसी ध्वनि सुन करके विश्व ब्रह्मांड में एक सुथल वितरण बन जाती है कृष्ण की जो बंसी माधुरी है। उनका जो चौथा माधुर्य और कौन सा माधुर्य रह गया? रूप माधुर्य। कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ करके पहले वर्ष में तपस्या करते हैं, नारायण भी बच्चों को चोरी करते हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कहते कृष्ण ने माधुर्य सुनी वासुदेव को, जब ब्रजनंदन कृष्ण का माधुर्य को जब मधुरे से कृष्ण सुनते हैं उनके हृदय में खूब प्रकट होता है कृष्ण इतने सुंदर,
लेकिन कृष्ण स्वयं जब अपना रूप को मणि स्तंभ में दर्शन करते हैं तब अपर कलित पूर्वम कश्च वत्।